हेलो जीएसटी हीरो फैम, जीएसटी हीरो यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप भी प्लान कर रहे हो टू फाइल योर नेक्स्ट GSTR1 एंड GSTR3B ऑनलाइन एंड बाय योरसेल्फ, तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए। 1 जनवरी 2022 से लागू हुए चेंजेस के बाद GST लॉ और भी स्ट्रिक्ट हो गया है। अब आपसे GSTR1 और GSTR3B की फाइलिंग में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आपको सिविक द्वारा नोटिसेस, हैवी पेनाल्टी एंड स्ट्रिंजेंट रिकवरी भी फेस करनी पड़ सकती है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन कॉमन एरर्स और उनके सोल्यूशन के बारे में व्हाइल फाइलिंग योर GSTR1 एंड GSTR3B, जो कि हर एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर और एक नए बिजनेस ओनर के लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है If you want to avoid notices। और वीडियो के एंड में मैं बात करने वाला हूँ एक स्पेशल ट्रिक के बारे में, जो आपको GSTR1 एंड GSTR3B फाइलिंग एंड रिकंसिलिएशन से रिलेटेड सभी कॉम्प्लिकेशंस को दूर कर सकता है विद इन अ फ्यू क्लिक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दबा दीजिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को GST रिलेटेड सभी अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और GSTR1 एंड GSTR3B से रिलेटेड अपनी सारी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आइए अब आपको मैं मेरी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और हम समझते हैं इसे डिटेल में। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन एरर्स एंड सॉल्यूशंस फॉर फाइलिंग GSTR1 एंड GSTR3B और प्रिकॉशंस वन शुड टेक बिफोर फाइलिंग। Common errors faced while filing GSTR3B and GSTR1. Error 1. Under-reporting or over-reporting in GSTR3B. अगर आपसे गलती से GSTR3B फाइल करते समय under-reporting या over-reporting हो जाती है in the form of taxable value tax and input tax credit, तो क्या करना है? Solution in the case of under-reporting is, taxable value tax के केस में आपको values को add कर देना है in the subsequent GSTR3B filing. ITC के केस में अगेन यू नीड टू एड इन द सब्सिक्वेंट वैल्यूज इन द GSTR3B एंड पे इंटरेस्ट इफ इट्स एप्लीकेबल। सॉल्यूशन इन केस ऑफ ओवर रिपोर्टिंग इज टैक्सेबल वैल्यूज के केस में यू नीड टू रिड्यूस द वैल्यूज इन द सब्सिक्वेंट GSTR3B फाइलिंग एंड इन द केस ऑफ ITC अगेन यू नीड टू रिड्यूस द सब्सिक्वेंट वैल्यूज इन GSTR3B एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी इंटरेस्ट। GSTR3B कैसे फाइल करें विथ वन सिंगल क्लिक यूजिंग GST हीरो, इस पे हमारी डेमो प्लेलिस्ट को रेफर करने के लिए वीडियो में ऊपर दिए गए आई बटन पर प्रेस करें। अब बात करते हैं एरर 2 के बारे में, विच इज मैचिंग परचेस रजिस्टर विद GSTR2B। मैचिंग GSTR2B विद परचेस बुक्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन मैचिंग विद द GSTR3B। क्यों? क्योंकि 2020 ऑनवर्ड्स GSTR3B इज बीइंग ऑटो पॉपुलेटेड विद द वैल्यूज फ्रॉम GSTR1 एंड GSTR2B फॉर्म्स for the corresponding tax period. Hence, there are lesser chances for any mismatches. A few of the reasons for mismatches between GSTR2B and the purchase books. Period of reporting the invoices by the supplier is different from the period of accounting in the books by the buyer. Subsequent issue of debit or credit notes by the supplier gone unaccounted for by the buyer. Amendments to filed GSTR1 in subsequent periods GSTR1 by the supplier. For instance, differences in sales details between the books of accounts and GSTR1 is auto-populated from the e-invoicing system. Thus, the supplier amends returns later on. अब बात करते हैं एरर 3 के बारे में, which is mismatches in GSTR3B versus GSTR1. Furnishing supplies in GSTR3B under the wrong head but declaring the same details in GSTR1 correctly. Supplies made unregistered person furnished in GSTR1 but not in GSTR3B. Tax paid under the wrong head. For instance, CGST and SGST in place of IGST or vice versa. Tax liability change between GSTR1 and GSTR3B filing time. Reporting invoices in GSTR1 and GSTR3B at different time. इन सभी reasons के कारण आपके GSTR3B और GSTR1 का data mismatch हो सकता है। इन मिसमैचेस की वजह से आप सिविक द्वारा लीगल नोटिसेस, पेनाल्टी प्लस इंटरेस्ट के लिए भी लायबल हो जाते हो। एंड दैट्स व्हाई इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर यू टू रिकंसाइल योर GSTR3B वर्सेस GSTR1 डेटा। मिसमैचेस होने पे आपके पास सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है एंड दैट इज टू एडजस्ट द नेसेसरी वैल्यूज इन अकॉर्डेंस विद प्रॉपर अमेंडमेंट इन प्लेस टू जस्टिफाई इन योर नेक्स्ट GSTR1 एंड GSTR3B फाइलिंग एंड रिकंसिलिएशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दबा दीजिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो आइए अब बात करते हैं उन प्रिकॉशंस के बारे में विच वन शुड टेक
to avoid any kind of mistakes. First, always ensure that you use a trusted software to prepare and file GST returns. Second, cross-check the data uploaded to the website before adjusting the liability. Third, any sort of data relating to amendments adjustment made in subsequent returns should be recorded separately in the books of accounts. Fourth, all those unreported invoices in 2A-2B should be informed to vendors regularly. Fifth, always read instructions to returns and various notifications and circulars issued regarding filing of returns and amendments thereof. अब एंड में ये समझते हैं how GST Hero helps you avoid all such trouble. अब आपको ये लग रहा होगा कि यार मार्केट में तो ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको ITC reconciliation और GST filing automation में मदद करते हो, तो ऐसे में GST Hero ही क्यों? इसका जवाब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आपकी टैक्सेशन टीम ने रिकंसिलिएशन की एंड दे फाउंड आउट विच सप्लायर हैज नॉट येट फाइल देयर जीएसटी रिटर्न, और अब आपकी टीम को समझ आ चुका है अबाउट व्हाट इज द एलिजिबल आईटीसी दे कैन क्लेम, बट अकाउंट्स रिसीवेबल टीम और पेमेंट्स टीम डोंट नो अबाउट द स्टेटस इन रियल टाइम. सो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस लूज कम्युनिकेशन कि आपकी AR टीम में पास द पेमेंट टू डिफॉल्टिंग सप्लायर्स विच इज एक्चुअली अ ह्यूज लॉस, एंड इफ योर वेंडर हैव नॉट येट फाइल्ड देयर जीएसटी ऑन टाइम एंड इज नॉट 100% जीएसटी कंप्लायंट, देन यू हैव द पावर एंड अथॉरिटी टू ब्लॉक हिज हर पेमेंट फर्दर. वी फाउंड आउट बिजनेसेस फेस अ प्रॉब्लम दैट देयर अकाउंट्स रिसीवेबल टीम एंड टैक्सेशन टीम डोंट हैव अ सीमलेस अपडेट्स ऑन थिंग्स लाइक डिफॉल्टिंग सप्लायर्स एक्सेट्रा. जीएसटी हीरो सॉफ्टवेयर कैन शो रिकंसिलिएशन स्टेटस within your ERP dashboard in real time and also provides you with this Excel report based on the data जो आपने अपने GSTR 1 and GSTR 3B show की होगी GST portal पे for that particular financial year. Outward supplies as per GSTR 3B and outward supplies as per GSTR 1 का data auto-populate and reconcile होकर आपको difference and जिन areas में problem है वो clearly visible हो जाता है. इस report में आपको आपकी GSTR 1 versus GSTR 3B की मंथली एंड एनुअली समरी के साथ अब तक के जो रिटर्न्स फाइल हुए हैं उनकी समरी भी आपको देखने को मिलती है टू कीप अ ट्रैक ऑफ यू फाइलिंग योर रिटर्न्स ऑन टाइम. जीएसटी हीरो सॉफ्टवेयर कैन शो रिकंसिलिएशन स्टेटस विद इन योर ईआरपी डैशबोर्ड इन रियल टाइम. आवर टीम हैज अचीव्ड दिस विद वेरी डीप इंटीग्रेशन विद ऑल टॉप ईआरपीज इन इंडिया लाइक टैली, सैप, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा, एंड वी नो दैट नो अदर सर्विस प्रोवाइडर और सॉफ्टवेयर can assist you with this one-of-a-kind feature in the industry right now. Apart from this, GST Hero customers enjoy the benefit of claiming 100% accurate ITC, ensuring they are GST compliant and free from the stress of attracting penalties and notices by using our simple user-friendly tool, which can automate the data preparation with ERP connector, get thorough organized faster and accurate reconciliation in one click from GST Hero. Credit action feature under purchase registers, get ITC reconciliation statuses like missing, possible match and matched within your ERP dashboard, Tally, SAP and more. Automatic and customizable notification to GST defaulting suppliers and follow-up system, 10 plus reconciliation reports for internal and GST audit by the department, supplier-wise ITC data and consolidated summary, and PAN-based reconciliation. Features like these make GST Hero unique. Our other offerings include SafeSign, digital signature whenever you need it, e-invoice for all your e-invoicing needs, and e-way bill. Generate and manage all your e-way bills at a single place. तो आज ही हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके या हमें ईमेल करके GST Hero सॉफ्टवेयर का डेमो बुक कीजिए and get rid of all your GSTR filing related complications. File your GSTR 3B today with GST. आपके GSTR 1 और GSTR 3B से related सभी doubts को हम आगे के videos में cover करने की जरूर कोशिश करें. तब तक के लिए आप हमारे GSTR 1 and GSTR 3B filing से related playlist को refer करने के लिए video में ऊपर दिए गए I button पर press कीजिए. Video में end तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपको thank you. ऐसी ही इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए GST Hero YouTube चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो फॉर रेगुलर अपडेट्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.